सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम के 9वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी की विशाल चौकी श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार की ओर से बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने के लिए विवश कर दिया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, आप महिला राज्य प्रभारी राजविंदर कौर एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अश्विनी अग्रवाल बिल्ला ने आए हुए सभी गणमान्यों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान चौकी में आने वाले भक्तों के लिए श्री बालाजी परसों हनुमान जन्मोत्सव सीगा जी उस उपलक्ष्य बहुत वड्डा बालाजी का कीर्तन किया सीगा और बड़ी संगत ने आके दर्शन किए। अभी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल भी माँ तिप्परमानी मेले से बहुत रौनक लगी, लखा लोग आए दर्शन किए, अपनी मन्नतां मंगियां, जिन्हों दी मन्नतां पूरियां आईयां सी झंडे लैके आए माता राणी के चढ़ाए, सारे माता राणी इदां ही मन्नतां पूरियां करदे रहे। अज श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार वालों अज 8वां मूर्ति स्थापना दिवस उपलक्ष्य सिरे पूजा करवाई, अब बालाजी का बहुत बड़ा कीर्तन करा रहे हैं, जिस उसके रमन अरोड़ा जी अपने भजन गा रहे हैं। अभी सारे जेड़े ही भगत आए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बालाजी महाराज को कहने हैं कि बालाजी महाराज उन्हों की हर मंग हर इच्छा पूरी करे तो जल्दी जल्दी उन्होंने अपने दर से बुलावे। हरियाणा के भवानी खटकड़ कला में नेशनल लेवल ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें डायमंड बॉक्सिंग अकादमी जालंधर छावनी के 18 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अकादमी का नाम रोशन किया गया है। जिसके चलते अकादमी की ग्राउंड में मेडल सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें मोंटू सब्रवाल, तिलक राज शर्मा, राम अवतार अग्रवाल, कुलभूषण भूषी, संजय कनौजिया, मनीष सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अकादमी के कोच तरुण गोयल ने बच्चों की हौसला अफजाई की और आए हुए मुख्य मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज का दिन
हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि जलंधर छावनी के छोटे छोटे बच्चे बॉक्सर चैम्पियनशिप जो जीत के भिवानी से आए हैं, आज उनका जो है मान सम्मान किया गया। मेरे साथ मेरे जितने भी साथी खड़े हैं उनकी तरफ से, रोटरी क्लब की तरफ से, भूषण जी की तरफ से, रामतार अग्रवाल जी की तरफ से और हमारे मोंटू सबरवाल जी की तरफ से पूरा योगदान दिया गया। और इसमें जितने भी कैंट के बच्चे थे या बाहर के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने सब ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें बच्चों का काफ़ी हौसला अफजाई हुई। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चे हमेशा मेहनत के साथ काम करेंगे और आगे भी मेडल जीतते जाएंगे। आज डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी जलंधर कैंट, जो कि बहुत ही खुशी का दिन है, नेशनल ओपन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भवानी में हरियाणा में जो हुई थी, उसके बीच में इस एकेडमी के 18 बॉक्सर फाइट के लिए गए थे, जिनमें से 14 बॉक्सरों को मेडल प्राप्त किया, और जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और बहुत खुशी का आज दिन है कि इन बच्चों ने दिन रात इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर भवानी शहर में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। जय हिंद, जय भारत। आज जलंधर कैंट डायमंड बॉक्सिंग क्लब वालों तरुण गर्ग जी ने टीम ने अपने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे लेके आए, छोटे बच्चे, बहुत खुशी हुई है। अज कैंट दे विच पहली बार है कि छोटे बच्चे 5 साल तो लगे, 8, 9, 10 साल की उम्र के बच्चे अज जो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए, सू बहुत खुशी है कि बच्चों नू देख के कि इन्ना अच्छा, मतलब बच्चे कर रहे हैं, मोबाइल छड़ के, टीवी छड़ के, उस तो बाद बॉक्सिंग करके स्पोर्ट्स ली जो बच्चे कर रहे हैं, सू बहुत खुशी है। असं अगे भी चाहते हैं कि बच्चे अगे भी वक्त तो वक्त यही इनाम इधर लेके आए। सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में चौथी सांझी प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर से निकाली गई, जो कि अलग अलग इलाकों की परिक्रमा करते हुए सतगुरु कबीर मंदिर गांधी कैंप में पहुंची, जिसका स्वागत जोगिंदर पाल छिंदा, ठाकुर भगत, संजीव रिंकू भगत, बिल्ला भगत, राजेश भगत, अंजलि भगत, कमल भगत और जीता भगत ने पुष्प वर्षा कर किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर प्रधान अनिल कुमार, रविंदर भगत, पवन कुमार, डॉक्टर शशि कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट।
महाराज जी का शुभ दिहाड़ा आन ते मुख मंदिर वालों जिहड़ियां एक वख वख एरिए दे विच प्रभात फेरियां शुरू कीतियां। उस प्रभात फेरी दे मुख मंदिर वालों अज वार्ड नंबर 65 जिसकी कौंसलर अंजली भगत गांधी कैंप दे विच अज उन्हां दा निघा जिहड़ा एक स्वागत करन दे लई सारा वार्ड तह दिल दे नाल उस प्रभु की कृपा दे कबीर महाराज जी दे छतर छाया दे नाल उन्हां दा स्वागत किया गया। और मैं जिहड़े मेरे इस दिशा दे उत्ते झंडा फड़ा के गए ने मैं उन्हां दे बजुर्गां दा अपना शीश जिहड़ा एक वारी नहीं हजारां वारी चुकांदे होए उन्हां दा नाँ लैंदे होए इस वार्ड दा जिहड़ा कि तह दिल दे नाल शुगल गुजार करना। बड़ा ही शुभ दिहाड़ा है कि अज एक शोभा यात्रा का उपराला किया गया है, प्रभात फेरिया का उपराला किया गया जिदे विच आज मुख मंदिर तो और बाकी सारे जलंधर के बाकी सारे कबीर मंदिरों तो जिहड़े मुख प्रधान चेयरपर्सनस और उन्हां दी संगत लैके अज साडे सतगुर कबीर मंदिर गांधी कैंप के अज सारिया ने आगमन किया। मैं उन्हां सारिया का धन्यवाद करती हाँ जिन्हां ने अज सारी संगत ने अज कबीर गांधी कैंप के कबीर मंदिर के सतगुर कबीर जी की बाणी का उच्चारण किया। मैं उन्हां सारिया का धन्यवाद करती हाँ जिन्हां ने अज सवेर तो लैके दोपहर तक सब ने एक एक कदम भर के कबीर मंदिर तक पहुँचे और उस बाणी का प्रचार किया, उस बाणी का गुणगान किया। मैं सारे इलाका वासियों का और बाहरों आई हुई जलंधर तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्हां ने अज साडे एरिए नूं पवित्र किया। जय कबीर, धन कबीर। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडर रोड जालंधर में 36वां वार्षिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्री अमृत लता दास देवाजी महाराज दीनानगर वालों ने सभी भक्तों को प्रभु की कथा की महिमा से अवगत करवाया और अमृतमय कथा की वर्षा की। इस कथा की अध्यक्षता करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर जालंधर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सिया शरण दास जी महाराज ने बताया कि यह कथा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस मौके पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत केशवदास, महंत बंसीदास, महंत रामदास, महंत सुरेश दास, पंडित अम्बरीश, महंत पवनदास, मोहन पट्टी ठाकुर द्वारा पवन कुमार दास जंडू सिंगा वालों ने भी विशेष रूप से उपस्थित होकर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। कथा सुन रहे थे और हमारे भी बहुत भाग है कि महाराज जी का पता तो हुआ कथा। पहले जो है ना मैं महाराज जी के पास में जब आए थे महाराज जी तो राम कथा हो रही थी तो मेरे को इच्छा हुआ कि महाराज जी को कभी दर्द अपने यहाँ पर स्थान दिखाना चाहिए ना। तो इस बार फिर मैं जो ठाकुर जी कृपा हो गई मैंने कहा पवन कुमार दास जी कहा कि जब भागवत सप्ताह तुम्हारा चल ही रहा है तो इसीलिए इस बार जो है महाराज जी का पता बंद हो जाए। तो बाकी तो भाई
स्वीकार हो गया, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। और मैं कुछ कह नहीं सकता, महाराज जी के अवर्णीय है कि जो मैं युवा से इनकी वर्णन नहीं कर सकता। इन्होंने जो संगत को जो स्नान कराया है गंगा में, ये तो ठाकुर जी हनुमान जी सुने हैं, वही जानते हैं। जालंधर छावनी के डाक बंगले के नजदीक गगन पैलेस में 20वां श्री सालासर बालाजी का अलौकिक जागरण श्री बालाजी संघ द्वारा करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक मोनू दुआ चंडीगढ़ वाले और राजू बावरा आगरा वालों ने श्री बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रधान अजय गोयल, गीगा अमित गोयल बंटी, विपन गोयल पम्मा, राहुल अग्रवाल, मनोज कुमार, गौरव गुप्ता, मदन मोहन चोपड़ा, नितिन मित्तल, पुनीत गोयल सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी श्री बालाजी महाराज का वार्षिक जागरण गगन पैलेस में करवाया जा रहा है। ये 20वां वार्षिक जागरण है जो सब भक्तों के सहयोग से हो रहा है। इसमें चंडीगढ़ की मशहूर पार्टी मोनू दुआ जी प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इनके बाद राजू बावरा जी आएंगे आगरा वाले, वो भी प्रभु का श्री बालाजी महाराज के भजनों का गुणगान करेंगे। विभिन्न तरह का प्रभु को प्रसाद लगाया गया है। आप सभी भक्तों का इसमें पूरा पूरा सहयोग है। हम आशा करते हैं कि हर साल की तरह अगले साल भी, आने वाले वर्षों में भी आप सब लोग श्री बालाजी संघ को सहयोग करते रहेंगे और इसी तरह जागरण का आनंद लेते रहेंगे। मैं अमित गोयल से संपर्क प्रधान श्री बालाजी संघ का सब आए भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये श्री बालाजी संघ का 20वां वार्षिक जागरण है। श्री बालाजी संघ सब पब्लिक के सहयोग से हर साल बड़ी धूमधाम से बालाजी महाराज का जागरण करवाता है, इसलिए सब भक्तों को, आए हुए भक्तों को धन्यवाद। देखिए, 20 साल पहले मुझे याद है, एक छोटे से कमरे में बैठकर अमित गोयल जी ने अपने टीचर साथियों के साथ ये सपना देखा था कि बालाजी का प्रचार, छोटा मंदिर जो बालाजी का हमारे छावनी में है, मंडी वाले बाबा जी, उनका प्रचार धूमधाम से ऐसा हो कि पूरे भारतवर्ष में नाम पूछे। तो आज 20 साल के बाद हम बालाजी की कृपा से इस पायदान पर पहुँच गए हैं कि आज दूर दूर से लोग देखे बालाजी के दर्शन करने आते हैं। पंडाल में जाके देखे बैठने तक की जगह नहीं। बालाजी संघ वालों हर साल की तरह जो बालाजी का जागरण कराया जा रहा है गगन पैलेस के अंदर, और
अज असी अपने वालों सारों इतने आम से लख लख बधाई दें और मैं अपने वालों अपनी पूरी सरकार BJP वालों इतने सारे कैंट में देशों विदेशों रहने वाले लख लख बधाई देना। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से श्री राम कथा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व आशुतोष महाराज की शिष्या महामनस्विनी साध्वी जयंती भारती ने दो वरदान प्रसंग के माध्यम से बताया कि किस प्रकार श्री राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी मंथरा के विचारों में फंसकर महाराज दशरथ से श्री राम के लिए वन एवं भरत के लिए राज्य की मांग करती है और महाराज दशरथ को ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर भेजना पड़ा। इस मौके पर पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहिंदर सिंह केपी, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष राजविंदर कौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहिंदर भगत, अमित सहगल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान दिनेश शर्मा, प्रभात चंद शर्मा, जतेंद्र शर्मा, विकास बग्गा, पूर्व पार्षद ओंकार राजीव, दीपक कौशल, रमेश अवस्थी, हरिंदर शर्मा, अशोक भारद्वाज, संजीव सोढ़ी, परम लखनपाल, पूर्व पार्षद राजीव ओंकार टिक्का, यशपाल ठाकरे, सुरेंद्र कुमार, विजय कुमार गिल, मनदीप बख्शी, पाल सिंह नोली सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। जैसे ही अपना मुख 10 योजन का खोला तो हनुमान जी अपने आकार को
निशान करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती चली जा रही है, इधर हनुमान जी अपने आकार को विशाल से अति विशाल बनाते जा रहे हैं, और देखते देखते सुरसा ने सौ योजन का मुख खोल लिया। और हनुमान जी जैसे ही देखा कि सौ योजन का मुख खुला हुआ है, हनुमान जी झट से लघु से अति लघु छोटा सा रूप बनाते हैं और सुरसा के मुख में जाते हैं और पुनः वापस लौट आते हैं। जागृति संस्थान वालों जो मॉडल हाउस के राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की सारी प्रबंधक कमेटी वालों अज इतने आ के बहुत ही आनंद आया है और देख के बड़ा मन प्रसन्न होया है कि इतनी भारी संख्या के सारिया ही संगत आ के परमात्मा राम दे जो गुणगान सुन रहे हैं। इत्थे असली जिंदगी यह ही मकसद है कि जो भी सानू परमात्मा का नाम कोई राम कथा महाभारत कथा भगवान कृष्ण की कथा सुनने मिलती है सो जीवन सफल होता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल हाउस की तरफ से दशहरा ग्राउंड में बहुत ही सुंदर श्री राम कथा का आयोजन 4 तारीख मंगलवार से चल रहा है। कथा की पूर्व संध्या पर एक बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कथा का आयोजन है। आज कथा का आखिरी दिन है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये जो दशहरा ग्राउंड है सचमुच में ही अयोध्या नगरी बन गई है। इतने आनंद से लोग कथा सुन रहे हैं, जो साधवी बहनें कथा कर रही हैं उनको भी सच में आशुतोष महाराज जी का अपार कृपा है, उनके आशीर्वाद से अपनी वाणी से बहुत ही सुंदर कथा कर रही है। हम मॉडल हाउस निवासियों की तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से दिव्य ज्योति जागरण संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सुंदर आयोजन यहाँ मॉडल हाउस में किया। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर जलंधर के अंदर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और जिसका आज 5वां दिन है। वैसे तो समाज में श्री राम कथाएं लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी सीरियल्स के माध्यम से लोग बहुत देखते भी हैं और राम के चरित्र के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में इन राम कथाओं को सुनने का, पढ़ने का और टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखने का फ़ायदा वास्तव में इंसान को तभी होता है जब श्री राम का जो चरित्र वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनके जीवन में, उनके आचरण में आ जाए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके हेड एंड फाउंडर परम पूजनीय सदगुरु आशुतोष महाराज जी हैं, उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि वास्तव में इंसान के अंदर देवत्व को स्थापित किया जाए, वास्तव में इंसान को राम के चरित्र को जनाकर राम के मार्ग पर चलाते हुए वास्तव में मर्यादित जीवन जीने की जो सीख है वो गुरुदेव इस समाज के अंदर देने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल आप देखो, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कोई विचार दें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, बेटे झूठ नहीं बोलना है, बड़ों की इज्जत करनी है, लेकिन वो विचार इंसान के जीवन में कब तक रहते हैं? थोड़ी देर के लिए सुनता है, उसे अच्छा लगता है, क्लैपिंग भी कर देते हैं लोग, ताली भी बजा देते हैं, खुश भी हो जाते कि नहीं बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसे हम ग्रहण कितना कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसे ग्रहण करने के लिए, इन विचारों को ग्रहण करने के लिए, राम के चरित्र को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले इंसान को राम को जानना होगा, राम को देखना होगा। कारोबारी नेता बहल पॉलीमर एवं बहल सेल्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश बहल और राजेश बहल के पिता एसके बहल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में की गई, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय एस के बहल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रमुख संगठन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर गुरशरण सिंह, विक्टर टूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी विक्टर, प्रीतम सिंह अरोड़ा, कृष्ण लाल अरोड़ा खंड वाले, जसपिंदर सिंह, हरभजन सिंह सैनी, सुखविंदर सिंह बग्गा, अशोक मग्गो सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय एस के बहल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। टाइम जेड़ा फिक्स है,
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਜਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ ਰਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਨਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ ਓਮ ਦੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੰਤ੍ਰੈ ਵਿਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋਕਸ਼ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਨਸਪਤ੍ਰਿਆ ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया काबू 33 मोटरसाइकिल 3 एक्टिवा की बरामद अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 सदस्यों को किया काबू 2 खिलौना पिस्तौल 1 एक्टिवा व 2 दातर किए बरामद अमृतसर के न्यू पवन नगर में पतंग उड़ाते हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आया एक बच्चा दाहिना हाथ और दोनों पैरों की उंगलियां पड़ी काटनी इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल